नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत की चैनल पर। BEO, UPPCS, RORO और UPSSSC सभी परीक्षाओं हेतु उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आधारित एक स्पेशल सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम 500 से 800 प्रश्न का रिवीजन करेंगे। ये पहला वीडियो है, ठीक है। वे सभी प्रश्न जिसमें उत्तर प्रदेश का सीधा सीधा संबंध है या फिर UPPCS, RORO और विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन हम इस 500 प्रश्नों की सीरीज में करने जा रहे हैं। फिर बता दूं, ये पहला वीडियो है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम जो है कवर करेंगे ऑप्शंस के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने इंक्लूड किया है। ये पहला वीडियो है, इस तरह के आपको 10 वीडियो देखने को मिलेंगे। हम उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जिसका किसी ना किसी रूप में उत्तर प्रदेश से संबंध है और पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नवपाषाणिक पूरा स्थल जहां से चावल धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन क्या है देख लीजिए, बेलन नदी घाटी, लोहदा क्षेत्र, कोल्डी हवा, सराय नाहर राय। देख लिए होंगे ऑप्शन आपने। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कोल्डी हवा, ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर चलते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो तीन जगहों को याद रखना है आपको, बेलन घाटी, चंदौली चकिया और सोनभद्र का सिंगरौली घाटी। ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुआ रहेगा हर प्रश्न इस वीडियो का। ठीक है, तो याद रहेगा बेलन घाटी, चंदौली चकिया, सोनभद्र का सिंगरौली घाटी, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य यहां से मिले हैं। सराय नाहर राय पूछा जा चुका है इस पे प्रश्न, मेहदहा पे भी पूछा जा चुका है, दमदमा पर भी। अगर आप पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र देखेंगे UPPCS का, तो इन टॉपिक्स पर प्रश्न बन चुके हैं और तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित हैं। प्रतापगढ़ पूरे प्रदेश में आंवले की सबसे ज़्यादा खेती के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आंवले का प्रतापगढ़ में होता है, क्योंकि आंवले के लिए आवश्यक है अम्लीय भूमि जो कि प्रतापगढ़ में स्पेशल रूप से पाई जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ का आंवले के उत्पादन में नंबर 1 जो है रैंक है। चलिए, सहार नाहर राय, मेहदहा, दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। सही जवाब है, इसका उत्खनन कार्य JR शर्मा द्वारा किया गया। ये भी सही है, यहाँ से स्तंभ गर्त अस्थि हड्डी यानी कि श्रृंग से निर्मित उपकरण और लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है आपको, सराय नाहर राय, मेहदहा, दमदमा, यहां से क्या पाए गए हैं? श्रृंग से निर्मित उपकरण व लघु पाषाण उपकरण। अगला प्रश्न देखिए, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है इटावा, लखनऊ, मेरठ, बरेली। सही जवाब क्या होगा? तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ। अब सबसे पूर्वी स्थल अगर आलमगीरपुर मेरठ में है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया होगा कि पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे। सबसे पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान का सुतकांगडोर, हड़प्पा सभ्यता का। सबसे उत्तर में स्थल है
मांडा जम्मू कश्मीर का सबसे दक्षिण में स्थल है दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रहेगा, सबसे पूर्वी है मेरठ में आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल है बलूचिस्तान का सुतकांगडोर, सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी स्थल है दायमाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, आरओ यारो में पूछा गया है 2013 में उत्तर प्रदेश के किस पुरास्थल से ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं। तो जवाब क्या होगा, मेरठ आलमगीरपुर। अगर ऑप्शन में मेरठ और आलमगीरपुर ना हो तो जवाब होगा सहारनपुर। पूछा जा चुका है प्रश्न ये 2 से 3 बार, ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरह से भी घुमा सकता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता किसे कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता कोई, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी वो। चलिए, प्राचीन भारत में कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। ऑप्शन है सुरसेन, काशी, कौशल, अंग। सही जवाब क्या होगा, कौन सा महाजनपद, 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, वो था अंग, ऑप्शन डी अंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है कि कुल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो जवाब क्या हो जाएगा, 8 महाजनपद। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, जैसे कि एक तरफ दे देगा सुरसेन, कौशल, काशी, मल, चेदी, और आपको दूसरी तरफ दे देगा सुमेल करने को कि उत्तर प्रदेश में किसकी अवस्थिति, कौन सा प्रदेश था। तो सुरसेन जो थे वो मथुरा में निवास करते थे, कौशल जो महाजनपद था वो आज का फैजाबाद, काशी आज का वाराणसी, मल जो महाजनपद था वो आज का कुशीनगर, चेदी जो थे वो बांदा, ठीक है, और वत्स, कुरु, पांचाल भी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से याद रहेगा, फिर से देख लीजिए, सुरसेन मथुरा, कौशल फैजाबाद, काशी वाराणसी, मल गणराज्य कुशीनगर, चेदी बांदा, बांदा जिला, ठीक है। विचार करें, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज से संबंधित हैं जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सिद्धार्थ नगर जिले में अवस्थित था, ठीक है। सेपरेट प्रश्न भी बना है कि गौतम बुद्ध से संबंधित शाक्य गणराज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में आता है, तो सिद्धार्थ नगर जिला। दूसरा स्टेटमेंट है ऋषिपतन या मृगदाव उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। क्यों फेमस है, क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात जो है उन्होंने 5 अपने पुराने दोस्तों को ज्ञान दिया, ठीक है, और ये क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, तो याद रहेगा। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, ऑप्शन में जैन, शैव, बुद्ध, तो त्रिपिटक जो है वो आपका संबंधित है भगवान बुद्ध से, बौद्ध धर्म से, ठीक है। ललित विस्तार भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं किससे संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए, इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है, महावीर स्वामी के समय उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जो जैन धर्म का केंद्र बना, यह प्रश्न पूछा गया है, वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी। महावीर स्वामी के समय उत्तर प्रदेश का एक स्थल जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। 8वें का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है मथुरा, मथुरा, ठीक है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना मथुरा। एक प्रश्न मथुरा से जुड़ा हुआ, कुषाण वंश के शासकों की प्रथम राजधानी थी पेशावर, दूसरी पूर्वी राजधानी क्या थी, भारत में थी मथुरा, ठीक है। गांधार कला और मथुरा कला किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुए, तो कुषाण के शासनकाल में, ठीक है, कुषाणों के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। गांधार कला और मथुरा कला क्या थे, भगवान बुद्ध के संदर्भ में जो मूर्तिकला का विकास हुआ गांधार और मथुरा में,
उसी को गांधार कला और मथुरा कला कहा जाता है। इसके अलावा 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? वाराणसी से प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध है वाराणसी से। इनका चिन्ह कौन सा था, निशान कौन सा था? सर्प फण, सर्प फण। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन देख रहा था, तो जैन धर्म के जो महागुरु हैं उनके निशान के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि नेमिनाथ तीर्थकर जो हैं उनका कमल, मल्लीनाथ का कलश अभिरक्षक, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, भगवान ऋषभ देव का सांड। इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इस तरह से भी आपको तैयार करके चलना है खुद को। एक प्रश्न पूछा गया है, यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है यापनीय संप्रदाय। जैन धर्म पर 25 से 30 प्रश्न बन रहे थे, फिलहाल मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ इन्हीं प्रश्नों को शामिल किया। अभी ये वीडियो पहली वीडियो है, 500 से ज़्यादा प्रश्न भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करने के पर्पज़ से जो है मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बार बार यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है बार बार, तो सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जौनपुर। जौनपुर के ऊपर कई बार प्रश्न बन चुका है यूपीपीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में भी। अपने प्राचीन भारत के संदर्भ में और मध्यकाल में भी जौनपुर जो है काफी फेमस रहा अपने शिक्षा कौशल सभी चीजों के लिए, इसीलिए इसको सिराजे हिंद कहा जाता है। जौनपुर के ऊपर कुछ और प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना किसने की, अटाला मस्जिद कहाँ है, झंझरी मस्जिद कहाँ है, ठीक है, तो वो अभी हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जौनपुर में ही स्थित है। किस शासक ने बनाया था? इब्राहिम शाह सरकी। याद रहेगा पूछा गया है प्रश्न शासक के ऊपर भी कि इब्राहिम शाह सरकी ने कहाँ शासन किया, तो जौनपुर में। इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में किया गया था। इसके अलावा एक बार प्रश्न पूछा गया सुमेल करने को लेकर के, झंझरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो जौनपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जौना खां था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक इतिहास में इसके नाम दर्ज है। 300 नगरों को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को? हिसार, फतेहाबाद, यूपी का फिरोजाबाद, जौनपुर, इन सबको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। एक प्रश्न और पूछा गया है, किस नाम से सिकंदर लोदी अपनी कविताएं लिखा करता था? कमेंट करके बताइएगा, पीसीएस का प्रश्न है ये भी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। बदायूं का जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश के बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। मध्यकाल का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने नए सिक्के जारी किए थे शीशे के जो फेल हो गए थे। प्राचीन भारत में शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे जो कि हिट भी रहा उनका प्रयोग, उसी को ध्यान में रखते हुए मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चलाया था ये प्रयोग, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया। जितने भी प्रोग्राम्स इसने चलाए, इनोवेशन चलाए, वो सभी के सभी फेल हो गए। हालांकि सबसे ज़्यादा शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति था ये मध्यकाल का। चलिए
मध्यकालीन इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर करेंगे। विचार करें, अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगरा में स्थित एतमादुल्ला का मकबरा जो कि नूरजहां द्वारा बनाया गया, पित्रादुरा शैली का बना हुआ है, सही स्टेटमेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पित्रादुरा शैली का मकबरा जो है बना हुआ है, तो आगरा का एतमादुल्ला मकबरा। ठीक है, आगरा का किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया, आगरे का लाल किला, सॉरी, तो अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि दिल्ली का जो लाल किला था वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, बनवाया गया था। इसके अलावा बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, किसकी विजय के उपरांत, ये प्रश्न बना है। तो गुजरात विजय के अवसर पर अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। एक प्रश्न और है, शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के धार्मिक गुरु थे, उनकी दरगाह कहाँ है, उनका मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो स्टेटमेंट के रूप में इन चीज़ों को याद रखिएगा। पित्रादुरा शैली का एकमात्र उदाहरण उत्तर प्रदेश में है आगरा का एतमादुल्ला मकबरा, इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अयोध्या का बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी द्वारा कराया गया था, बाबर का सेनापति। और गुजरात विजय के अवसर पर अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। इसके अलावा पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था, इलाहाबाद। और इसी डेट के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे देश का वायसराय बन गया, तो लॉर्ड कॉन कैनिंग जो है वो पहले वायसराय भी बने। ठीक है, तो याद रहेगा 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जिसका संबंध किसी ना किसी रूप में उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1857 क्रांति के संदर्भ में किसने कहां से नेतृत्व अपना प्रदान किया, तो फैजाबाद अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब, कई बार तात्या टोपे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बरेली से खान बहादुर साहब, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह, फरुखाबाद से नवाब तफजुल हुसैन और इलाहाबाद से लियाकत अली। इन सभी पे प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद लियाकत अली, फरुखाबाद देख लीजिए नवाब तफजल हुसैन, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह, बरेली खान बहादुर, कानपुर तात्या टोपे नाना साहब, फैजाबाद अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल लखनऊ। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को बिठाया था गद्दी पर, नवाब बनाया था लखनऊ का, उसका जरा नाम बताइए, ये भी प्रश्न के रूप में पूछा गया है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, एक प्रश्न ये पूछा गया है। और एक प्रश्न ये भी बना है कि अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था, दोनों ही जवाब इस ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, सही जवाब है सआदत खां। अंतिम शासक कौन थे अवध के, वाजिद अली शाह। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है दोनों ही प्रश्न। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की सआदत खां ने, अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह।
जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? पीसीएस 2003, यूपीआरओ 2002 और मेंस 2004। तो जौनपुर नगर की स्थापना मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है की गई थी, लेकिन किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ें क्या पूछा गया है, ठीक है? किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल काल में उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अकबर के लिए फतवा जारी किया गया था? तो जौनपुर था। जौनपुर के मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के अगेंस्ट फतवा जारी किया था। ये प्रश्न भी जो है पीसीएस में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में। तो जौनपुर 3 से 4 प्रश्न जो हैं इस पर बनते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये प्रश्न पूछा गया है 2010 और 12 में। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। जी हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस स्थाई बंदोबस्त के जनक, 1793 में जो है इन्होंने स्थाई बंदोबस्त लागू किया। इनकी समाधि है गाजीपुर में। बाबर की समाधि कहाँ है? काबुल में। अकबर की समाधि कहाँ है? सिकंदराबाद में। शाहजहां की आगरा में। ठीक है, चलिए विचार करें। पीसीएस आर ओ आर ओ 2003 और 2010 का प्रश्न है। प्रश्न सीधा ऐसे पूछा गया है, वह व्यक्ति कौन था जिसने बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति हेतु तत्कालीन मुगल शासक को जो है निवेदन किया? तो जवाब हो जाएगा कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य इस समय मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां। तो याद रखिएगा कविंद्राचार्य द्वारा जो है बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले टैक्स की जो है समाप्ति हेतु पंडितों का नेतृत्व किसके आगे किया गया? शाहजहां के आगे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। आप ध्यान दीजिएगा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। और एक प्रश्न और बना है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर कि इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में लॉर्ड मैकाले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले थे, विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सन 1916 का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 22वें प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड होर्डिंग द्वारा, उसके बाद मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा, जबकि नींव डाली गई थी लॉर्ड होर्डिंग द्वारा, शिलान्यास 1916 में। तीन व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का एक कंट्रोल नगर था? यानी कि इसके पीछे कई लड़ाइयां भी लड़ी गईं और बहुत ही महत्वाकांक्षी नगर था ये, बहुत ही उन्नत नगर था, वैभवशाली नगर था। तो सही जवाब है कन्नौज। कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहा जाता है प्राचीन भारत में, और महोदय श्री भी। बहुत ज़्यादा विकसित था हर्षवर्धन के काल में, और यही कारण था कि प्राचीन भारत के तीन शासक इस नगर को प्राप्त करने के लिए जूझते रहे, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र था जहां से संपूर्ण उत्तर भारत को कंट्रोल किया जा सकता था पाटलिपुत्र के बाद, क्योंकि
ठीक है, और इसी को प्राप्त करने के लिए त्रिगुट संघर्ष चला। किनके बीच में ये प्रश्न भी बना है, गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों के बीच में निरंतर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, थानेश्वर, और दूसरा कन्नौज। ठीक है, दोनों को एक जगह ले आया था वो। कान ने कुब्ज भी कहा जाता है, महोदय श्री भी। ठीक है, तो याद रहेगा महोदय श्री किसका प्राचीन नाम है, कन्नौज का। प्रश्न पूछा गया है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को। जेजाक भुक्ति का जो है नाम हमें मिलता है प्राचीन भारत में। ठीक है, कान ने कुब्ज, कन्नौज को ही कहा जाता है। सन 1875 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय जो बन गया बाद में, उसकी स्थापना किसने की। सही जवाब क्या होगा, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इनके द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी जिस पर प्रश्न बना है, तहजीब उल अखलाक। कांग्रेस के धुर विरोधी थे। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे, और ब्रिटिश भारत में जो है अंग्रेजों के हितवादी थे ये। ठीक है, अंग्रेजों के, कांग्रेस के धुर विरोधी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1924 में कहाँ की गई, याद रखना है आपको, दिसंबर 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। सही जवाब क्या होगा, 29वें का सही जवाब है कानपुर। प्रश्न पूछा गया है ये, या तो आपसे ईयर पूछ लेगा, या तो किसके द्वारा स्थापना की गई ये पूछ लेगा। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1924 में कानपुर में की गई, सत्य भक्त द्वारा जो है स्थापना की गई। पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पेरियार द्वारा। दक्षिण भारत के एक नेता थे, इन्हीं के नाम पर एक नदी का नाम रखा गया है, पेरियार नदी। ठीक है, केरल में बहती है। तो याद रहेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में कानपुर में स्थापना की गई, सत्य भक्त द्वारा। पहला सम्मेलन कानपुर में ही हुआ, उसकी अध्यक्षता पेरियार ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का है, किस अधिवेशन में दिया गया। सूरत अधिवेशन 1916 का, लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गए, सारे मतभेदों को मिटा दिया गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एकजुट हुई थी इसी अधिवेशन में। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इसको याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के बहुत प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी प्रश्न आता है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन अगस्त 1928 में कहाँ किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा वाराणसी में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका विरोध किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आगरा। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई, और चंद्रशेखर आजाद जी
लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था। स्थापना तो दिल्ली में हुई, फिरोज शाह कोटला में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर था आगरा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, आगरा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दिल्ली में स्थापना की गई थी, फिरोज शाह कोटला में, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, हेडक्वार्टर आगरा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा की गई स्थापना? ठीक है, देश में तीन स्थानों पर जो है समानांतर सरकार बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। एक तो थी बलिया, सतारा और तामलुक मिदनापुर। ठीक है, इन तीन जगहों पर समानांतर स्थायी सरकार की स्थापना की गई। सबसे लंबी सरकार चली सतारा में, ठीक है, और बलिया में जो समानांतर सरकार बनाई थी वो चित्तू पांडे द्वारा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1942, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16 अगस्त 1942। सबसे लंबी समानांतर अस्थायी सरकार सतारा में, महाराष्ट्र। छत्तीस में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया, कौन इससे संबंधित नहीं था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो स्वामी सहजानंद द्वारा जो स्थापना की गई, सही है। एनजी रंगा भी इसके संस्थापक सदस्यों में थे, और इंदुलाल याग्निक भी, तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में अभी तक जो प्रश्न बने हैं, स्वामी सहजानंद बार बार पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, एनजी रंगा भी पूछ सकता है, इंदुलाल याग्निक भी पूछ सकता है। इन तीनों व्यक्तियों ने एक साथ मिल करके 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना इनके द्वारा की गई। कौन सा युग्म सही सुमेल है? यहाँ पे सारे सही हैं, इस तरह के प्रश्न जो हैं दो बार पूछा गया है, पीसीएस 2011 में और 2010 में। देख लीजिए, वृंदावन मंदिर मथुरा, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना में, याद रखिएगा प्रश्न बन जाता है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। इस तरह से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर सभी सही हैं। आगे बढ़े, चलिए। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, बिल्कुल सही है। कुशीनगर राम भरत स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महेत। ये प्रश्न भी 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट ऐसे ही पूछेगा, कौन सही सुमेल नहीं है, या फिर सुमेल करने को दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यूपी ओरिएंटेड प्रश्न हम रिवीजन कर रहे हैं इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा संकीसा, ऑप्शन सी। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? क्यों फेमस है? क्योंकि हर साल हाजी वारिस अली साहब की मजार है यहाँ पर, और उर्स का मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह की मजार पर उर्स का मेला लगता है देवा शरीफ में। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है यूपीपीसीएस में कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? बाराबंकी। देवा शरीफ है बाराबंकी में,
बाराबंकी में है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। सही जवाब हो जाएगा, प्रभासगिरी स्थल का संबंध जैन धर्म से है। कई बार प्रश्न बनता है कि अलवार और नयनार किस धर्म से संबंधित है, तो नयनार जो है आपका शैव से, अलवार आपका संबंधित है वैष्णव से। याद रहेगा, नयनार शैव धर्म से और अलवार वैष्णव धर्म से। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नेमी सारण्य कहाँ अवस्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 20 किलोमीटर की दूरी पर नेमी सारण्य स्थित है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है? इलाहाबाद। प्राचीन ब्रह्मवर्त तीर्थ बिठूर से सुमेल होगा, नाथ सांप्रदायिक तीर्थ लखीमपुर खीरी से सुमेल होगा, देवबंद आंदोलन 1966 के समय कहाँ चला? सहारनपुर। तो देवबंद आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सहारनपुर। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वहाँ से सीधा सीधा मैं उठा करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह से प्रश्न रिपीट हो सकता है। पाटेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर मिर्जापुर से सुमेल होगा। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फरुखाबाद। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और ये जो देवबंद आंदोलन है ना, इस पर 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया। एक बार साल पूछा गया 1967, सहारनपुर। देवबंद का संबंध किससे है? सहारनपुर से है। पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर, विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर, श्रृंगी ऋषि मंदिर फरुखाबाद। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? अकबर, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हरिसिंह। प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक की सूचना मिलती है? ये अलग प्रश्न हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था हरिसिंह। सूचना प्राप्त होती है हमें समुद्रगुप्त के बारे में। याद रहेगा, 2 प्रश्न जो है इस पर बनते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था हरिसिंह और सूचना प्राप्त होती है समुद्रगुप्त शासक के संदर्भ में। प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया था? यह प्रश्न भी पूछा गया है, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने। तो हरिसेन याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस प्रशस्ति से। भारत खंडे संगीत संस्थान कहां स्थित है? 15 जुलाई 1926 को इसकी स्थापना की गई। स्पेशली डेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न जो है डेट पर भी पूछा जाता है। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे द्वारा भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई 15 जुलाई 1926 को लखनऊ में। लखनऊ, सी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, भारतखंडे संगीत संस्थान। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई? जहांगीर, ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। विचार करें, मंदिर निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। बिल्कुल सही बात है, सीधा सीधा प्रश्न जो है पूछा जाता है। मंदिर निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम किस शासनकाल में हुआ? 4 कोई से भी शासनकाल आपको बता देंगे तो पता होना चाहिए, गुप्त काल। गुप्त काल का प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ललितपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ललितपुर में। सुमेल करें, उस्ताद विलायत खां, सभी उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए प्रश्न पूछ लेता है। उस्ताद विलायत खां सितार वादक हैं। फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक से, और कथक जैसे कि मोहिनी अट्टम केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का साहित्यिक नृत्य, क्लासिकल नृत्य है कथक।
जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक हैं? इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, सही सुमेल करें। गोविंद साहब गुरुद्वारा आजमगढ़, बिल्कुल सही बात है। कैलाश मेला आगरा में लगता है, ये भी सही है। सैयद सालार मेला बहराइच, ये भी सही है। शाकुंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर में है, ये भी सही है। बटेश्वर पशु मेला यमुना नदी के किनारे आगरा, ये भी सही है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है? तो अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाएं। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये पहली वीडियो थी। इस तरह के मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 वीडियोस में उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम कवर अप कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।